पीटीआई रहनुमा साहबजादा जहांगीर का कहना है कि मस्जिद नबी के वाकये के हवाले से सोशल मीडिया और टीवी पर उनका और अनिल मुसर्रत का नाम लिया जा रहा है। वो और अनिल मुसर्रत दो रोज़ पहले उमरे के लिए आए थे, एक रोज़ के लिए मदीना शरीफ आए थे। वो नमाज़ पढ़ रहे थे कि शाहजैन बुगटी और मरियम औरंगज़ेब की आमद पर शोर की आवाज़ आई। अनिल मुसर्रत नमाज़ पढ़ रहे थे, वो उठकर आए कि देखें शोर क्यों मच रहा है। वाज़े करना चाहते हैं कि ना अनिल मुसर्रत ने इसकी फंडिंग की, ना उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उन्हें ना पुलिस ने पकड़ा है और ना ही कोई पूछताछ हुई है। वाकया हुआ है मदीना शरीफ के अंदर, ये सारी जो टेलीविजनों पे और सोशल मीडिया पे और हर जगह पे ये इंफॉर्मेशन चली है, जिसमें मेरा नाम अनिल मुसर्रत का नाम घड़ी घड़ी मेंशन किया गया है। हमने उमरा किया, मैं और अनिल मुसर्रत ने, उसके बाद फिर हम मदीना शरीफ आए। हम अपना एक रात मदीना शरीफ काटना चाहते थे और उसके बाद वापस आ रहे थे। मैं ये क्लियरिफाई करना चाहता हूं, ना कोई अनिल मुसर्रत ने फंडिंग करी थी इसकी, ना मैंने कोई ऑर्गेनाइजिंग करी थी। खुदा के वास्ते हम इबादत के लिए यहां पर आए थे। अल्लाह रसूल को तो आप पॉलिटिक्स में मत डालिए, हम अपनी इबादत कर रहे थे। आप इबादत के अंदर आपने इतना हमारे ऊपर शोर मचा दिया कि हम अरेस्ट हो गए, हम ये हो गए, हमारी पुलिस ने पकड़ लिया। ना हमने कोई पुलिस ने पकड़ा, ना हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन आंसर हुआ, ना कोई हम अरेस्ट हुए। हम अपना पूरी इबादत करके वापस आ गए। बस ये मैं आपको मैसेज देना चाहता था।